Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing number system and this is video lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to 10 before watching this part 11. और आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे. ठीक है, ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का और इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे. सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स. इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बी एनी रियल नंबर then a to the power 0 is equal to 1. ये होता है. अगर नॉन जीरो नंबर है और उसका पावर 0 होगा तो 1 होगा. 0 to the power 0 क्या होगा ये दुनिया में किसी को पता नहीं है. आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी किसी को पता नहीं है कि 0 to the power 0 क्या होता है, ये किसी को नहीं पता. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी. लेकिन a टू दी पावर 0 1 होता है और कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाएगा. जैसे 2 का पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा, -3 का पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा, -5 का पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा. तो कोई भी रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो हो जाएगा 1. अब a टू दी पावर m और a टू दी पावर n हो, दो चीजें मल्टीप्लाई हो, अगर बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देते हैं. तो ये हो गई दूसरी बात. थ्री ए टू दी पावर एम का होल का पावर एन हो तो इसको ए टू दी पावर एम इंटू एन यानी ए टू दी पावर एम एन कर सकते हैं. एग्जाम्पल सब पे एक एक लेते हैं. जैसे मान लीजिए 2 क्यूब इंटू 2 का पावर 4, ये हो जाएगा 2 का पावर 7. आप दोनों को वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे 2 का पावर 3 क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना होता है बताओ, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16. 16 × 8 क्या होता है, 128. ये हो गया LHS. और RHS कितना हो गया, RHS भी 128 हो गया. नीचे लिख देता हूँ. ठीक है ना, ये हो गया 16 8 × 16 और ये है 128 which is true. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी अगर 3 का स्क्वायर हो और उसका पावर फिर 3 हो तो क्या करोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का पावर 3 इज इक्वल टू 729. और यही अगर RHS 3 × 2 6 कर दे तो ये भी 729 होगा. तो इसलिए LHS और RHS दोनों क्या है, सेम. तो ये एक लागू होता है यानी मल्टीप्लीकेशन में पावर प्लस हो जाता है और ये पावर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस, याद रहे, है ना. और अगर डिवीजन होगा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n तो ये हम करते हैं m माइनस n. m n से बड़ा होगा तो होगा, अगर छोटा होगा तब भी हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन तब पॉजिटिव में आएगा, ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, है ना. तो ये करना है यानी मल्टीप्लाई करने में पावर प्लस होता है, डिवाइड करने में पावर माइनस होता है, और पावर का फिर पावर हो, होल पावर हो, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इस बात को दिमाग में रखना है. ठीक है, अच्छा अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि क्यूब रूट ऑफ 5, इसका मतलब हुआ कि ये 5 का पावर 1/3 है. nth रूट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब x का पावर 1/n है. और स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा है, इसका मतलब 5 का पावर 1/2 है. रूट का मतलब 1/2 होता है पावर. ठीक है, और n इसके अंदर लिखा है और फिर x लिखा है, इसका मतलब x का पावर 1/2. सेवेंथ रूट ऑफ 5, इसका मतलब हुआ 5 का पावर 1/7. ठीक है ना, अगर क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि ये 64 का पावर क्या है, 1/3. तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए. होपफुली आप समझ गए होंगे, है ना, ये सारे. और ये रूल याद रखना है, कितने रूल हैं, ये 5 रूल हैं जो आपको याद रखना चाहिए. और ये सब याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं. इस पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं और इसलिए इस पावर के साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इस बात को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से जाना जाता है. तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि एक्सपोनेंट ये पावर्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा,
ये बात जानने के लिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.6, और इसमें लिखा है कि फाइंड फाइंड करना है। पहला सवाल है हमारा 64 to the power half। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है और उसका पावर हाफ है, और ये पावर क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 8 to the power 1 is equal to 8, आंसर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 32 to the power 1.5, इसको 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 32 power 1/5, 2 to the power 5 whole to the power 1/5, 2 to the power 5 into 1/5, ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power 1 that is 2, इस तरीके से कर सकते हैं। अब लिखा है 125 to the power 1/3, थर्ड क्वेश्चन है 125 to the power 1/3, इसको भी आप 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं। 125 को पावर 1/3, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स, और उसका पावर 1/3, तो ये हो गया 5 का पावर 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर 1 that is 5। तो इस तरीके से ये सारे सवाल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसे करोगे, ये हमने 3 बार लिख दिया, कैसे आप कैसे करोगे, आप इसको पहले 5 लास्ट डिजिट है, 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, और फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, मतलब कितने 5 आ गए, 3। इस तरीके से तो हमने 3 बार 5 लिख दिया, इसी तरीके से बाकी नंबर्स का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है 9 का पावर 3/2, पहला 9 to the power 3/2, तो ये 2 जो नीचे में है इसको रेडिकल कहते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, इसका मतलब इसको 2 बार कम से कम में ब्रेक करना है, तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं बोलो, और इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पावर 3/2 है, और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या बच गया, 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 क्या हो गया, 3 बार गुना, 3 into 3 into 3, and what is that, 27, so 3 into 3 into 3, and what is that, 27। second question में लिखा है 32 to the power 2/5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ऐसे, और पावर 2/5, यानी 2 to the power 5 and whole to the power 2/5, यानी 2 to the power 5 into 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर बच गया, यानी 2 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन, आंसर हो गया 4। थर्ड क्वेश्चन है 16 to the power 3/4, अब इसको भी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और पावर 3/4, 2 to the power 4 into 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2, 3 बार प्रोडक्ट, दैट इज 8, ये आंसर हो गया। और 125 फोर्थ क्वेश्चन है, 125 to the power -1/3, इसको भी 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं, power -1/3, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3, power -1/3, ये हो जाएगा 5 का पावर 3 into -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 का मतलब 1/5, ये आंसर होगा ऐसे, तो आंसर हो गया इसका 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, ये है पहला, थर्ड में देखो, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 2 to the power 5 into 2 10, प्लस 3 into 1 3, एलसीएम हो गया 3 into 5 का 15, तो ये हो गया 2 to the power 13/15, ये हो गया आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 to the power 3
होल टू दी पावर सेवन, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 3 होल टू दी पावर 7। एक बात आपको बताना मैं भूल गया था, बता देता हूं कि ए बी का पावर एन अगर हो तो ए का पावर भी एन होगा, बी का पावर एन भी होगा। ये कॉमन सेंस है वैसे, लेकिन फिर भी बता दिया। तो इसलिए हमने 1 का पावर बी, और ऐसे ही अगर ए बाई बी का पावर एन हो तो ये होगा ए का पावर एन अपॉन बी का पावर एन, अलग अलग। तो हमने 1 का पावर 7 कर दिया और 3 टू दी पावर 3 का पावर भी 7 कर दिया। 1 का पावर 7 क्या होगा, 1, और 3 का पावर 3, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 का पावर 21। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर कोई और लिखना चाहे ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही तरीके। तीसरा सवाल है जो वो क्या है, ध्यान से देखिए, 11 टू दी पावर 1 बाई 2, 11 टू दी पावर 1 बाई 4। अब दोनों में बेस क्या है, बेस है दोनों में 11, दोनों में बेस है 11, और 11 बेस होने की वजह से हम दोनों को बेस अगर सेम हो तो डिवाइड ये हो रहा है, डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, माइनस, तो 11 टू दी पावर 1 बाई 2 और नीचे वाला पावर ऊपर जाके माइनस, तो ये हो गया 11, 1 बाई 4 बच जाएगा, 1 बाई 2 में से 1 बाई 4 जाएगा, 1 बाई 4 बच जाएगा आंसर। और चौथा क्वेश्चन है 7 का पावर हाफ और 8 का पावर हाफ, ये है 7 का पावर हाफ इंटू 8 का पावर हाफ, दोनों में पावर सेम है तो हम इसे 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, टोटल का पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो गया 56 का पावर हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। 56 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 4 इंटू 14 और इस पूरे का पावर हाफ, अब इसको चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 14 लिख सकते हो, और ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 14 का पावर 14 पावर हाफ, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और उसका पावर 1 बाई 2 और 14 का पावर 1 बाई 2। अब 2 का पावर ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 2 इंटू 14 का पावर 1 बाई 2, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। वैसे आपका आंसर यही तक होना चाहिए, स्कूल के हिसाब से और जो चैप्टर दिया गया है उसके हिसाब से यहीं तक आंसर लिख दोगे चलेगा, लेकिन ये लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, बेटर वे में होगा कि आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसको अगर मान लीजिए ऐसे में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट का मतलब, हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, अंडर रूट 56, इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना, ये एक पेयर हो गया और एक पेयर होने से एक बाहर आ जाएगा और नीचे बच गया 2 इंटू 7 दैट इज 2 रूट 14, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस चैप्टर में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट में कि क्या क्या सीखा हमने। इस चैप्टर में हमने सीखा नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम में क्या क्या है कि नंबर कितने तरह के होते हैं और उन नंबर्स की क्या क्या वैरायटी होती है ना, और फिर हमने सीखा कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और उन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रैशनल नंबर हो तो भी और इरेशनल नंबर हो तो भी, तो उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच में भी कितने नंबर होते हैं, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इस तरीके से दो रैशनल के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं, दो इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। रैशनल को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी रिप्रेजेंट होते हैं, और दूसरा इंटीग्रल नंबर होते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है ना। और जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर को मिला देते हैं तो इसको कहते हैं होल नंबर, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीग्रल इज होल नंबर,
आप पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये सारी बातें आपने अच्छी तरह से सीख ली है, और उसके बाद हमने सीखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें आपने आज ही सीखा है कि a का पावर m हो और उसका पावर n हो तो a का पावर mn हो जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p, ऐसा हो बेस सारे सेम हो तो ये m प्लस n प्लस p हो जाएगा, है ना। a b c अगर है और इसके पूर्व पावर n हो जाए तो a का पावर n b का पावर n c का पावर n लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी सही है कि a का पावर n b का पावर n c का पावर n हो तो a b c का पावर n लिख सकते हैं। यदि mth रूट ऑफ a हो और mth रूट ऑफ b हो तो इसको भी हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a इंटू b, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी सेम चीज ही है, कोई नया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिखा है a का पावर 1 बाई m और यहाँ लिखा है b का पावर 1 बाई m, और हमने लिख दिया a b का पावर, दोनों का पावर एक साथ लिख दिया 1 बाई m, यानी इसी को हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ ए बी। तो ये सेम चीजें हैं, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। a का पावर m अपॉन b का पावर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं m माइनस n, इसको भी कर सकते हैं। कब? जब m बड़ा हो n से तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर m n से छोटा हो तो नेगेटिव आएगी, तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें। थ्री का पावर जीरो भी वन होता है, फाइव का पावर जीरो भी वन होता है, सेवन का पावर जीरो भी वन होता है, लेकिन जीरो का पावर जीरो क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो ये तब लागू है जब a जीरो के बराबर नहीं, माइनस फाइव हो इवन उसका पावर जीरो हो तब भी वन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b को हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, ऊपर देख लिया आपने। लेकिन अगर ये निगेटिव नंबर्स हो तो इनको मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में नहीं किया जा सकता। द प्रोडक्ट ऑफ निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स आर नॉट परमिसिबल परमिसिबल अंडर स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये देखो बहुत काम की चीज है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है ये कि अंडर रूट फोर और अंडर रूट माइनस फोर हो और अंडर रूट माइनस नाइन हो, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस फोर इंटू अंडर रूट माइनस नाइन, इसको प्रोडक्ट करके 36 नहीं लिख सकते। ये हुआ माइनस वन का दो बार, तो माइनस वन का स्क्वायर इंटू फोर इंटू नाइन, तो ये बाहर निकल के माइनस वन और फोर का स्क्वायर रूट टू इंटू टू दो बार लिख सकते हैं तो एक बार आ गया, थ्री इंटू थ्री दो बार लिख सकते हैं तो एक बार थ्री आ गया, तो ये होता है माइनस सिक्स न कि सिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊपर की क्लास में भी बच्चों को नहीं पता रहता है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, ध्यान रहे कि निगेटिव का नंबर स्क्वायर रूट में परमिसिबल नहीं है, ये तभी वैलिड होगा जब इस तरह से लिखेंगे। वैसे अभी आपको ये पता नहीं होगा कि निगेटिव के अंदर भी ये वैलिड होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए तभी वैलिड है जब ए पॉजिटिव हो, देन ओनली इट इज ए रियल नंबर, देन इट इज ए रियल नंबर, रियल नंबर होता है। और अगर ये जीरो से छोटा हो ये रियल नंबर होता है, और अगर जीरो से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर ए जीरो से छोटा हो तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट ए इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इफ ए इज लेस देन जीरो, इफ ए इज लेस देन जीरो दैट इज निगेटिव नंबर। तो अगर निगेटिव नंबर हो तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो सिर्फ इमेजिन किया जाता है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तब भी आगे की क्लास में, 11th क्लास में आप जाओगे तो इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। और रियल और इमेजिनरी मिला दिया जाए, यानी दोनों नंबर मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट जो कि रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी पार्ट जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। दोनों को मिला देने के बाद नंबर जो बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो ये सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो और अच्छी बात है, नहीं पता होगा तब भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और इसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम शीट में जो दी गई है उसको आप सॉल्व करें, और फिर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर खत्म हुआ, अब अगले चैप्टर पे फिर बात होगी, और नए चैप्टर पे नई बातें अगली क्लास में होगी, ठीक है? आज आप वर्कशीट सॉल्व करें जो आपको दी गई है, और उसके अलावा आपका कुछ और क्वेश्चंस आप बुकलेट से कर सकते हैं, और आपके पास क्वेश्चन की कमी हो तो और क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं, वो भी दी जाएगी, ठीक है? थैंक यू।